होता है बचपन, जब हम अपने स्कूल सिलेबस में लाइफ को पढ़ते हैं कि एक्चुअली ये यूनिवर्स कैसे बना, कहाँ से आए हम इंसान। और एक फेज लाइफ का तब होता है जब जिंदगी में कभी ना कभी हम ये सवाल कर बैठते हैं कि हम हैं कौन, कहाँ से आए, क्यों है, कहाँ से आया ये ब्रह्मांड। सबके अपने अपने आंसर्स हैं एंड वी रिस्पेक्ट ऑल द आंसर्स, वी रिस्पेक्ट ऑल द बिलीफ सिस्टम्स एंड वी डोंट कंडेम एनी ऑफ दोस। हाँ, गीता में भी इसका जवाब है, कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, और जो गीता में लिखा है विदाउट एनी स्पेक्यूलेशंस मैं आपको इजी लैंग्वेज में आज बताऊंगी। हाय, मैं हूँ मानसी, आपके साथ होने भी लाइव पॉडकास्ट। यह है गीता अनप्लग्ड, जहाँ रोजाना आप और हम मिलते हैं मोटिवेशन के मकसद से, लाइफ को बेहतर बनाने के मोटिव से। आज भी गीता के एक चैप्टर से एक श्लोक मैं लेकर के आई हूँ। क्या कहता है वो, चलिए आज जानते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगद् व्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्व वस्थितः। फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन विच सेज, बाय मी इन माय अनमैनिफेस्टेड फॉर्म दिस एंटायर यूनिवर्स इज परवेडेड, ऑल बीइंग्स आर इन मी बट आई एम नॉट इन देम। हिंदी में मतलब समझते हैं। कई सारे दार्शनिक कहते हैं कि ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, भगवान, ऊपर वाला, आप जिसमें भी मानते हो, ये उसी का ही ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसा कई दार्शनिकों ने कहा है। अच्छा, कुछ दार्शनिक ये भी कहते हैं कि संसार तो एक भ्रम है। जैसे रेगिस्तान में पानी जब दूर से हमें दिखता हुआ लगता है ये भ्रम ना ही हो जाता, वैसे ही ये दुनिया भ्रम है। एक्चुअली द वर्ल्ड इज गॉड ओनली। लेकिन श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से ये कहते हैं कि सब मैं ही हूं लेकिन मैं सब में नहीं हूं। All beings are in me, but I am not in them, and that's 100% true. अगर श्री कृष्ण सब में होते तो हर कोई ज्ञानी होता, किसी को संसार का मोह ना होता, इंद्रियों का हम पर जोर ना होता, अत्याचार ना होते, अन्याय ना होते, अगर श्री कृष्ण सब में होते, शायद न महाभारत होती, न गीता का ये ज्ञान होता, अगर श्री कृष्ण सब में होते। और श्री कृष्ण को हम कैसे पाए, वो रोजाना हम जानते हैं गीता अनप्लग्ड में। आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जहाँ गीता से मैं श्लोक रोजाना लेकर के आती हूँ जो हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है।